हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी बीपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेंट टू सिविलियन। आई एम प्रेम कुमार एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शुड आई क्विट बीपीएससी और यूपीएससी और नॉट। हार नहीं मानूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियो को लाइक करेंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये एक कुछ पंक्ति से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये प्रीलिम्स एमेंस में अगर आप बार बार अगेन एंड अगेन फेल हो रहे हो किसी भी प्रीलिम्स एमेंस, तो आपके साथ मैं रिलेट कर सकता हूँ। देखिए, आपको सबसे मेन जरूरत है कि ये क्यों फेल हो रहे हैं, वाई, इसको सर्च करना। अगर वो पता चल गया तो फिर आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। फेलियर देखिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मेरे फेलियर से जितना आप सक्सेस से नहीं सीख सकते, उससे ज़्यादा आप फेलियर से सीख सकते हैं। तो मेरा अपना एक छोटा सा शेयर करूँगा मैं अपना जर्नी। तो यहाँ पे देखिए, अगर प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, या मान लीजिए आपके निगेटिव मार्किंग जा रहा है या कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं, उसको आप लोग अच्छे से करें, मेहनत और ज़्यादा करने की जरूरत है। मेंस में फेल हो रहे हैं उसके भी बारे में मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अपना मार्कशीट आपके साथ शेयर कर देते हैं, फिर हम लोग आगे आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको मेरा मार्कशीट दिख रहा होगा, ये आपको 66 का बीपीएससी का पीटी का मार्कशीट है। तो मैंने यहाँ पे क्वालिफाई किया था, आपको देख सकते हैं ये ईबीसी में, बट यहाँ पे जनरल कटअप से एक मार्क्स में कम था। तो यहाँ पे 67 का हम लोग देखते हैं, 113 मार्क्स था मेरा, जनरल के कटअप में क्लियर कर चुका था। और ये इस बार का है, अभी इसका फाइनल ये इंटरव्यू चल रहा है, अभी इसका जारी नहीं हुआ है। और यहाँ पे 66 का मैं मेंस का आपको दिखा दूँ, तो मेरा हिंदी में 59 है, ये क्वालिफाइंग रहता है, 33 या 30 लाना रहता है। जीएस वन में देखिए 154 था, इसका मैंने आरटीए कॉपी डाला था, ये थोड़ा सा स्टेटिक्स में भी मिस्टेक था डीए वाले में, और थोड़ा सा क्वेश्चन छूट भी गया था करंट वाला, तो ये थोड़ा सा ये इशू था। लेकिन इस बार हम लोग 67 में, इसका कम से कम 175 से इस बार आएगा, वो मार्कशीट आएगा या कॉपी अनवेलेटेड हम लोगों ने डाला है, तो अगर नहीं देखो तो देख सकते हैं। या आपको इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्टेटिक्स पूरा सही है, 6 मार्क्स नहीं होने गलत है, पिछले बार 15 मार्क्स का था गलत, और पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कॉपी जाकर। पेपर टू में क्वेश्चन यहाँ पे मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था लास्ट में टाइम इशू के कारण, 66 का ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन 67 में यहाँ पे अच्छा से लिखा हुआ है, 130 प्लस आने का उम्मीद है। तो यहीं से मेरा 300 के आसपास मार्क्स बन रहा है, बट अब देखिए कटअप क्या गया है। और फाइनल तो इस बार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, पिछले बार 17 मार्क्स से चुका था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। बट देखिए, इस बार मेहनत तो हम लोग किए ही थे, लेकिन लक फैक्टर या जो भी हो और कहीं कमी रहा उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यही जो मेन चीज़ है, सिविल इंजीनियरिंग में 126 मार्क, यही मुझे पीछे मतलब कि कर दिया है, ये अगर अच्छा रहा था तो हम लोग सिलेक्ट हो सकते थे। तो इस बार भी यही सिविल इंजीनियरिंग 67 में एक काम किया, अब तो 68 से ये हट गया है, ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया है, तो अब ऐसे वो रोल प्ले करेगा। कटअप वगैरह का वीडियो हम लोग ने डाला था, आप लोग नहीं देखो तो देख सकते हैं। तो यही मेरा फेलियर होने का कारण मुझे लग रहा है, क्योंकि इस बार भी मार्किंग थोड़ा इसमें या न्यूमेरिकल मिस्टेक होगा तो पूरा कट कर दिया गया होगा, स्टेप मार्किंग नहीं मिला होगा। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बता दिया आपको। अब देखिए, यहाँ पे आपके साथ ये शेयर कर दें हम लोग कि देखिए, आपका आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग अपना उस रीजन को ढूंढिए क्यों आप फेल हो रहे हैं, स्ट्रेटजी अच्छा बनाइए, ठीक है। एक मतलब कि ऐसा मेहनत करिए कि उसमें कोई कमी नहीं रहे, आंसर राइटिंग में अगर पीछे हो रहे हो आप, टाइमिंग का इशू है तो उसको इम्प्रूव करिए, स्पीड बढ़ाइए, और आप जैसे कि किसी से गाइडेंस का कमी है तो गाइडेंस लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, ठीक है। बट हार नहीं मानना है आपको, शुड आई क्विट ये तो कभी होगा ही नहीं, क्विट नहीं। देखिए, अगर आपका ये इस बार का पीटी में अगर 80 प्लस आ रहा है यूआर में, तो आप लोग मेंस का तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ यूपीएससी का ऑप्शन है, जेपीएससी भी आ रहा है ये झारखंड का, अगर चाहिए तो कर सकते हैं, या आपको यूपीपीसीएस भी आएगा, तो उसके हिसाब से 26 मई को आपको यूपीएससी है, तो आप लोग उसके हिसाब से तैयारी जारी कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में यही चीज़ हम लोग को बताना था कि आपको ये नहीं रखना है, जैसे आप टेस्ट सीरीज बनाइए, आप लोग एनालिसिस करिए कहाँ पे आप फेल हो रहे हैं, क्या इशू है, आरटी कॉपी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और मेहनत करिए, इंटरव्यू के लिए भी हम लोग बहुत सारा चीज़ चलाए थे बट वो मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे फिर हम लोग लेंगे। तो अगर आपका इस बार भी फ्री नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगली बार लग के लीजिए, मेहनत करिए, ठीक है। तो यही कहना होगा लास्ट में कि लहरों से डर करने का पार नहीं होती, लहरों से डर करने का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोई आपको हारा भी नहीं सकता है, अगर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता आपके कदमों में होगी। यही बातों से मैं विराम देना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एंड कोई भी आपका फीडबैक देना हो कमेंट बॉक्स में,
जरूर दीजिएगा, यही सर्च वाई कर लीजिएगा तो आपका जरूर सक्सेस मिलेगा। और बहुत लोग हैं जो कि 3 बार 4 बार फेलियर के बाद भी सक्सेस होते हैं, आप लोग उन लोगों का स्टोरी तो सुनते ही होंगे। अभी तो हम लोग पास सक्सेस स्टोरी नहीं है, तो जो भी होगा तो हम लोग लेकर आएंगे आपको, जब भी आपको एंसर कॉपी आएगा तो हम लोग शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल द बेस्ट।